मॉर्निंग है जी, मॉर्निंग सबको, स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में, मतलब पहला व्लॉग। अभी चलते हैं जिम, सुबह के बज रहे 9, जिम चलते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। अभी तैयार हो ले और यहाँ रोटी के साथ साथ बिग बॉस गन्नू, पेट नहीं भर रहा आपका? देखिए बहुत है, ये हमारी माता श्री बहुत है। मम्मी जाना नहीं अपने बैंक को बेटा, 9 बजे वो चेयरिंग आ गई होगी। अच्छा मम्मी व्लॉग बन रहा, चेयरिंग बोल रहे आप, देखेगी आपकी चेयरिंग भी फिर इसको ले, फिर वो ले आप मेरे को ऐसे बोलते हो घर में, तो खत्म कर ले बुत्तू बना के ऐसे प्रॉपर बना खा फटाफट, इग्नोर बुत्तू बना के। हां गन्नू घर नहीं जाना है, इसको खाना मिला ये नहीं जाएगा आज, जाने वाला नहीं है यहां से आज, अभी वो खा रहा है, जब तक दिखेगा ना हाथ में तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा ये। आप ऐसा कर रहे बच्चे के साथ, बच्चे के साथ ऐसा कर रहे, बात खाएगा बात खाएगा, ले ये खा ले, नहीं खाना ही परौंठा है, आलू का परौंठा स्वाद लग रहा है ना उसे, तू भी तो चिंग चिंग खा रही, खत्म कर ले जल्दी। ये देख लो यहाँ पे बिग बॉस, रोटी खाते सोते साते सब कुछ बिग बॉस है भाई। 9 बज गए, खाने को मिला गया यार, ये तो मेरी बेइज्जती कर रही पहले व्लॉग में ही, ये कह रही तो दाढ़ी बनवा ले और तेरा तो मुंह ही बहुत बड़ा आ रहा, मुंह बड़ा ना, ये ऑपरेशन हुआ ग्लूकोज चढ़ा हुआ, मुंह फूल गया पूरा, पास से मत ले थोड़ा, हाँ मम्मी समझाएंगे, अब दूर से लेके पास से ले, दूर से लेना तो थोड़ा छोटा, अब ठीक है मम्मी, पहले भाई दिमाग कैसे आंख के देख रहे, कैसे सूजी भी आ रही यार, हैं आंख देख रहे क्या सूजी की आ रही, नहाना धोना, रात को सो गया हूँ 11 बजे, तूने तेरे से बड़ा छोटा बच्चा बखार जाता मिनट में, हाँ किससे बड़ी मम्मी, वीडियो देख के मम्मी कर रहे, वीडियो देख के कर रहे, चलो मैं जा रहा अब जिम को, चलते अब जिम है मम्मी, केला ये रहा ना यार, एक ही केला खा के जाऊं मम्मी है, मम्मी मम्मी कहाँ चलेगी मम्मी, ओ मम्मी, लो जी खत्म एक्सरसाइज, ये अपना जिम, हालत देख ही सकते, पहला दिन था आज, चलो अभी ढंग से कर भी नहीं सकते ना यार, टांग में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो क्या मतलब ऑपरेशन हुआ हुआ तब करके, खाली कोई भी नहीं जिम में, ये पेट अंदर करना है बस, पहले भी करता था मैं जिम पर छोड़ दी थी बीच में, ऑपरेशन हुआ था मतलब एक्सीडेंट हुआ था इस चक्कर में, अब दोबारा ज्वाइन करिए देखते हैं। ये मित्र जाट दे मित्र है गए, राजन रिनियान फ्रॉम मोती कोणा लंगोटिया यार, नर्सरी तो साथ है, चलो मिलते हैं आपको, बाइक दिखाता हूँ आपको, बाइक बाइक देखो, साढ़े घोड़े खड़े ने, एक ए है और एक वो खड़ा, ये तो मेरी सुंदरी है जिसका नाम है सुंदरी, अभी भी घर पहुँचा जिम से, नींद लगी और आने, कुछ खाया भी नहीं, पोस्ट वर्कआउट में शूज भी नहीं खोले, आती फ्लैट, नींद लगी आने, ये है हमारा शरीर, सारा सुस्ती जहाँ हट रहा पूरा शरीर हमारा, आपने देखा होगा लोगों की डाइट पोस्ट वर्कआउट, बॉयल्ड चिकन, बॉयल्ड एग्स या फिर प्रोटीन शेक, हमारी डाइट देख लो, तो दिखाता हूँ आपको, दाल घी आलू के परौंठे, परौंठे परामठे जो आप बोलते हो, साबुदाने की खीर, ये है भाई देसी आदमी, घर का खाते, प्रोटीन प्रोटीन तो है नहीं, जिस दिन हो जाएंगे लेने लायक उस दिन ले भी लेंगे, बाकी नॉन वेज तो खाते नहीं हैं, खा लो फिर, हम फिर मिलते हैं घर पे, ही हैं देखते कुछ तो करेंगे, मंगलवार है, मैं कहा चलो मंगल का दिन कर लेते आज व्लॉगिंग की शुरुआत, मंगल हो जाएगा कुछ,
देखते हैं क्या बनता है। भाई मैं ना अभी सो के उठा, मतलब एकदम से मम्मी आए ना क्योंकि बैंक से लंच करने, तो और मम्मी ने आती मतलब ऐसी न्यूज़ बताई कि फिर एकदम से मेरे को सो के उठना पड़ा। मम्मी बताओ तो बताओ क्या हुआ, बताओ, शर्मा रही यार मम्मी आप तो। वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ मैं हुआ क्या है। एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया कसौली में, नाइन्थ क्लास का बच्चा, छोटी सी बात पे क्या हो रहा है। मतलब एक नाइन्थ क्लास के बच्चे ने हमारे एरिया में कसौली में सुसाइड कर लिया कि इस बात पे कि वो फेल हो गया, और वो बकायदा अपनी वीडियो बना के गया अपनी मम्मी के लिए कि हाँ आप अडॉप्ट कर लेना, तो मैं जी नहीं सकता। तो इस ये चीज़ मम्मी मेरे को आके बता रहे थे, तो मैं बता रहा था मम्मी हम तो कहाँ, पूरे साल जीरो नंबर आते थे हमारे, तो हम तो चले थे, पर बच्चों को इतना प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए अपने ऊपर, और आसपास वालों को भी देखना चाहिए कि हाँ इतना ना करे यार। और सुसाइड तो यार देखो किसी चीज़ का कोई भी मैं नहीं मानता कोई हल है सुसाइड करना। नाइन्थ क्लास में था अभी तो क्या ही बेचारे की उम्र थी, और मम्मी बोलो उसके मतलब बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं और उसको पढ़ाए थे अच्छे स्कूल में, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बाकी क्या बोले बेचारे के ऊपर क्या बीत रही थी, चल जो भी बीते, पर सुसाइड तो कोई किसी चीज़ का हल नहीं होता मेरे हिसाब से। बाकी ये क्या बोले उसके माँ बाप क्या बीते, और एक ही एक था वो। लो जी आपको व्यू दिखाता हूँ, ये है जी हमारे घर से व्यू, और ये है तक्का भाई का पूरा, देख रहे थे ना भाइयों को, जिन जिन को पता है ना ये क्या कर रहे हैं वो कमेंट कर दो। और फिर ये अभी देखिएगा ना मेरी वीडियो बन रही है, तब रुकेगा, तक्का है भाई भाई का। आप यू एंजॉय करो यार, छोड़ो इनको, ये भाई व्यू देख रहे हो आप, ये सारा चूड़दार, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, चार्ली के घर के ऊपर का व्यू है सारा, अशोक अंकल जी देख लेंगे, उतना भी ले दिया उसके कुछ नहीं होता, चार्ली यार इतना गुस्सा ना कर यार। मित्र साडा एक और जिगरी वाला घर से आए, कम से कम 300 मीटर दूर क्या करने, पेशाब करने, बहुत तेज आ गया था भाई। और हाथ में क्या है तेरे, कुछ नहीं है, चेन चेन पेशाब करने लेके आया मेरे को 300 मीटर दूर घर से, गुलाब जामुन रखा है हाथ में, दिखा देना एक बार है क्या, हाथ में कुछ नहीं दिखाना नहीं यार इसमें ना साले, अभी तो साले हम ऐसे आ रहे होंगे, देख तो गंदे जैसे, कटिंग कुटिंग करवानी पड़ेगी इनको, ऐसा लगेगा जो देखेगा साले ऐसी है कोई, है ना डंगर आदमी, जो एक बार कटिंग कुटिंग करवाएंगे ना जब थोड़ी उम्र छोटी होगी तब लगेंगे कुछ है। गाड़ी दिखा दे, गाड़ी की हिस्ट्री दिखा दूं, गाड़ी में कौन रहता, तू गाड़ी दिखा बस, बाकी ना बोलना। गाड़ी देख रहे हो आप, जितना भी टूरिस्ट कभी कसौली आया होगा ना कभी घूमने, लोकल भी बंदा, ये गाड़ी तो सबको याद रहेगी, देखी होनी गाड़ी, कितना टाइम हो गया इसको, हमारी मुच्छे भी आ गई, मैंने गाड़ी गाड़ी में घास और आ गई। ये और एक और क्या बोलना चाहेंगे इस पे, गाड़ी देख रहे हो नाम देख लो, पहले नंबर देख लो, HP 11, और बंदे ने नाम क्या लिखा है, डिफॉल्टर, जैसे साला गांजा बेचता हो इतना बड़ा डिफॉल्टर है भाई, और गाड़ी कौन सी रखी, और कितने कितने साल पहले लिखा लिया डिफॉल्टर है मैंने अपनी बाइक पे, 6-7 पहले, नहीं नहीं 4 साल पहले लिखवाया था, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, अच्छा तेरे पास थी ना, मेरे पास नहीं, सबसे पहले पर हमारी बाइक पे लिखा था ये डिफॉल्टर लिखा था, सबसे पहले लिखा था हमने इस एरिया में, मतलब अपने एरिया में सबसे पहले लिखा लिया था मैंने 4 साल पहले अपनी बाइक पे, और अब लिखवा रहे हैं जो बंदे, सही बात है, मजा आ रहा है भाई, व्यू देख रहे हो तुम पीछे, फिर क्या देख रहे हो, चक्कर सारा ये है ना बस, एक तो थोड़ा कैमरा बार बार फ्लिप करना पड़ता, नहीं तो व्लॉग तो कैंट बना दे, कैंट दिखा दे, गड़खल दिखा दे, देख लो गड़खल दिखा दो यार,
गाली नहीं यार, गाली नहीं साजन, गाली से तो गाली। देखो भाई सारे 5 मिनट पहले घूमे सुख कर रहा भाई सारा तो। अब बरखा होगी, हमारा बादल तो रो पड़ा। बादल कौन है बता तो दे। बादल है अपना काज बंदा, देखा जे देखता देखेगा तो है, वो तो पक्का देखेगा। गाली देगा मैं तो मां बैन करेगा भाई, पहचान लो जी इसको। ये उत्ते पक्के जा रहे इतना, बारिश हो गई थी तो छोड़ने आया बंदा ये। चले बटन बंद करके, लैंडिंग का बटन बंद कर। ऐसे ही है यार अपना, माय गॉड बहुत तेज वर्क। हां जी, हमारी मम्मी भी आपसे कुछ बात करना चाहती है। करो फिर, व्लॉग बनाएगी हमारी मम्मी, बोल रही है। आओ मम्मी बोलो। क्या बोल, क्या बोलना चाहते थे? यहाँ बारिश बहुत हो गई है, यहाँ आने का प्रयास ना करें। क्योंकि मकान रास्ते बंद हो गए, यहाँ पे जाने आने का कोई साधन नहीं है। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं रहती हूँ डिस्ट्रिक्ट सोलन, बीपीओ गड़खल, तहसील कसौली। अच्छा ठीक है। और मैं सुबह से सारे काम करती हूँ। सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ, वॉशरूम जाऊंगी, वॉशरूम जाने के बाद पोछा मारूंगी, फिर झाड़ू मार के फिर खाना बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद मैं आपसे ये तो ना पूछा आप दिन की, आपकी दिनचर्या। अच्छा, और ये औलाद मेरा बिल्कुल साथ नहीं देती है ना, और ये मेरे औलाद निकम्मे है कि ये तो ना कुछ ना देख क्या बोल रहा है, देख 1% काम नहीं कराते। मैं करता नहीं, मैं आपके लिए उनको बिस्तरे में पानी चाहिए, लेटरिन को पानी रखे आओ उनके। ओ, जो इतना झूल रहा हो ना कि हमारे बेइज्जती कर रहे हैं। कर दो माँ कसम, कर दो नानी कसम, पड़ोसी ये करते हैं। नहीं, 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 नहीं। सुबह ही उठ के ब्लॉकिंग करे आते लेटरिन के अंदर, फिर इसको खोलने मम्मी को बुलाती है, किसने करी ब्लॉक यार, हमें बेइज्जती मत करवाओ, ब्लॉक करे आते मैं। हुँ? उसको बोलो वो आपका आपका दिन में क्या बोल रहा हूँ, मतलब आपका वो नहीं करवाती ना, हेल्प नहीं करवाती आपके काम में, काम हेल्प नहीं कराते, वो नहीं करवाती बिल्कुल भी नहीं। मैं आज वो नहीं लेके आया, क्या बोलते हैं, मतलब राशन नहीं लेके आया मैं। हाँ, ये मेरा सोनू है, ये मेरा साथ देता है, सिर्फ राशन लाके घर में रखता है, बाकी कुछ नहीं करता। और क्या बोलते हैं, जो 6 महीने से मेरी टांग टूटी तो बताओ, इतना मैं कर रहा हूँ, कर नहीं रहा मैं इतना। सिलेंडर नहीं लाता मैं, सिलेंडर लाता गुन्नो सिर्फ कंबल में से देखती रहती चुपके चुपके से। वो देख रही, वो देख रही। मम्मी आप तो क्या बोल रहे हो, इसको सारा दिन फोन चाहिए जी बिस्तर। मैं सारा दिन घर पे रहती हूँ। नहीं आजकल तो ये तो कितने दिन हुए तेरे को जाते हैं? ब्यूटीशियन का सीख रही है, एक से ऊपर हो गया है। ब्यूटीशियन? हाँ। अच्छा, वो करता भैया हमें तो पता ना, एक ये बाल की कटिंग करती है, मैं भी मुझे काट दे तो बात लगते हैं। ये भैया काट दे, क्यों काट दूं, कुछ नहीं कटेगा, सब कुछ रॉड डालेगा जैसा है वैसा। और क्यों, ये क्यों नहीं, और ये जाती है कुछ काम नहीं करती है, सुबह से शाम तक सारा इनकी डांट खाती रहती है सारा दिन। किसकी डांट खाते हो? तो इनको सब कुछ बिस्तर में चाहिए, उसके बाद मैं काम करती हूं। क्यों ना कर, मैं तो देख सब कुछ डलेगा, ये मम्मी हर कुछ बोल रहे यार, हगना उगना भी बता, हगना नहीं होता ना, आसो देंगे में क्रैक हगने में कट मार दो, वो नहीं बताना, नहीं कुछ नहीं कटेगा, और कुछ दूसरों की वीडियो का नाम नहीं लेना इसमें, ठीक है ना, जो जैसा है जो खाने में वो जो है वो बताएंगे, कुछ और थोड़ा बताएंगे। सही बात है, कर दिया तो मैंने, बस चुप हो जा, यहीं पे चुप हो जा, ये बस हमारे घर में तो नहीं होती है को। कि ये है ना, इसको मैं एक हफ्ते से बोल रही हूँ कि मेरी मेहंदी लगा दे, इसने मुझे बीच में रोक दिया, आधा अधूरा काम छोड़ दिया, आगे लगा दी पीछे सिखा लिया छोड़ दिया, ये डिमोटिवेट करती है। चलो वीडियो से सीख लेगी तो क्या होता, पूरा हाथ ही भर देगी मेहंदी से लगा लगा के, ये वाला मर्दा सब कुछ डलेगा। शर्म आई तुझे, तेरी दोस्तों को टैग करूंगा सबको, है ना,
बस मेरा और मम्मी का काम है शाम को बैठ के चुगली करनी है ना मम्मी। आप बाजार की चुगली लेके आया करो, मैं अपने दोस्तों की चुगली लाया करूंगा। हाँ, है ना। हाँ। चुगली करा करके दोनों जने मिल के चुगली तू बुलाया करी चुगली कहीं से लाई। लड़कियां घूमती रहती है बालों का तो घोंसला बना के, फिर उनकी मर्जी है ना, वो उनकी बॉडी है, आप कौन होते उनको बोलने वाले। हम कुछ बोलने वाले नहीं है तो फिर वो ऐसा लगता है ना 30 साल की उम्र में 60 साल की हो जाती है तो अच्छा। बाल वाइट कर लेते। आपकी क्या उम्र है आप बताओ तो? 45 है मेरी। 45 आप मेरे को लगते हो 65 के। अच्छा तेरे इतने बड़े बच्चे है, मेरे को सब मना करते तेरे इतने बड़े बच्चे नहीं है। ठीक है, तो आपकी तो ना मतलब ये किस्मत अच्छी है कि आपके बच्चे सुंदर हुए। तो जब मैं सुंदर तभी हुई तो हुए देखा मैंने आपको शादी से पहले। अच्छा अच्छा ओल्ड ओल्ड। अगर मैं काली होती दांत होते आगे भाई जैसे मर्जी होते, हम किसी की मतलब बॉडी शेमिंग नहीं करते, कोई जैसा मर्जी हो, सब भगवान ने बनाया, हम सब की इज्जत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जब उनके माँ बाप काले होंगे तो बच्चे भी काले हो जाते। ऐसे कैसे बोल सकता है वीडियो में यार, कुछ नहीं आती क्या कहा करा दिमाग करा जैसे मर्जी हो। मौसम देख लो, देख पा रहे हो गए घनी बारिश हो रही, बड़ी बारिश। रात के बज रहे 11, सो जाओ चुपचाप, हमें तो नींद आती नहीं, तुम तो सो जाओ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज, कर दे यार। तो मैं यार जो बोल रहा है